वेलकम बैक दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस की होने वाली है जहां कपल खुले में खुदाई करना पसंद करते हैं और इस बात का फायदा उठाकर हमारा प्रोटागोनिस्ट उन सब की वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाने का काम करता है। लेकिन इस काम की वजह से कैसे घोरे लगते हैं यह देखने में अलग ही मजा आने वाला है और ये मजा मैं आप सबको भी देना चाहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी का नाम है लावा। शुरुआत में हम अपने लीड कैरेक्टर पीटर को सुबह सुबह एक जंगल में घूमते हुए देखते हैं, जहां उसे खून के साथ एक मर्डर वेपन मिलता है जिसे वो अपने पास ही रख लेता है। तभी उसे एक कॉल आया और उस कॉल को रिसीव करने के बाद पीटर के होश उड़ गए। अब ये पूरा माजरा समझने के लिए हमें पीटर की कहानी शुरू से जाननी होगी। तो पीटर एक बहुत ही प्यारी जगह पे रहता था जो कि टूरिस्ट प्लेस भी है, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छे पार्क्स, लेक्स, ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट है, तो अक्सर लोग वहाँ अपने वेकेशन में आया करते थे। उन्हीं टूरिस्ट में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लोरा झील के किनारे टू पीस में बैठी धूप ले रही थी। वहीं एक कोने में हमारे पीटर ने उस पे अपनी नजर बनाई रखी है, क्योंकि पीटर को लोरा का फिगर बहुत ही आकर्षित कर रहा था। लेकिन तभी लोरा के पास उसका बॉयफ्रेंड मिचेल आ गया, जिसे देखकर पीटर का केला किशमिश में बदल गया। खैर जो भी हो, पीटर ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, तो जब माइकल वहाँ से गया तो उसने लोरा के पास जाकर उससे फ्लर्ट किया। लेकिन लोरा के बिहेवियर से वो समझ गया कि लोरा मिचेल को चीट नहीं करने वाली, तो पीटर उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और वहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात रूबी नाम की एक लड़की से हुई, जो इस पार्क की टूरिस्ट गाइड होने के साथ साथ पीटर के फ्रेंड निको की गर्लफ्रेंड भी थी। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है और पीटर को लोगों से बात कर उनमें घुलना मिलना बहुत अच्छे से आता है। तो थोड़ी बकैती करने के बाद पीटर ने चालाकी दिखाते हुए रूबी से लोरा और मिचेल के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, जिसके बाद वो उनका पीछा करते हुए जंगल में चला आया, जहां वो देखता है कि दोनों बियर पीते हुए एक दूसरे में लिपट रहे थे। यह देखते ही पीटर ने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और उनकी खुदाई को रिकॉर्ड करने लगा। इस दरमियान पीटर अपने दूसरे हाथ से अपना चिराग भी घिस रहा होता है। उधर जब लोरा ने मिचेल के घोड़े पर बैठकर सवारी करनी शुरू की, तो पीटर के चिराग ने जिनी को आजाद कर दिया, जिसके बाद पीटर ने अपने कैमरे और घोड़े को पैंट के अंदर डालकर बड़े ही स्वैग के साथ अपनी बाइक पर बैठकर घर की ओर निकल गया। आगे हम पीटर को एक रेड रूम में देखते हैं, जिसके दीवार पे अश्लील फोटोज लगी हुई थी और वही पीटर लोरा और मिचेल की वीडियो को एक साइट पे अपलोड कर रहा था। वही हमने देखा कि ये काम पीटर का पैशन नहीं, रोजी रोटी है, क्योंकि इस काम से ही पीटर बहुत सारे पैसे छाप रहा था। अब अगली सुबह पीटर वापस से पार्क में आया तो उसकी मुलाकात एक कपल से हुई जो अपनी थर्ड एनिवर्सरी मनाने वहाँ आए थे और उन्हें ग्रासलैंड्स जाना था। तो पीटर ने उन्हें उनकी एनिवर्सरी की बधाई देते हुए ग्रासलैंड जाने का रास्ता बता दिया। अब वो दोनों बड़ी बड़ी झाड़ियों का फायदा उठाकर खुदाई का काम शुरू करते हैं और थोड़ी ही दूरी से पीटर ने भी उनकी खुदाई का वीडियो बनाते हुए अपनी जिनी को चिराग से बाहर निकाल दिया। तो आप समझ चुके होंगे कि पीटर लोगों की प्राइवेट वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाता है। नेक्स्ट डे पीटर की मुलाकात जॉन से हुई, जो उसका पुराना दोस्त था, लेकिन वो काफी महीनों से मिले नहीं थे। यही जॉन ने पीटर को उसकी नई गर्लफ्रेंड रेचल से भी मिलवाया, तो पीटर ने उन्हें उस पार्क की खूबसूरत जगहों पे घुमाया और फिर शाम में पीटर रूबी से मिला, जो एक रिवेंज क्राइम ड्रामा बुक पढ़ रही थी। इस बातचीत के दौरान पीटर की नजर लेक से निकल रही एक खूबसूरत लड़की पे गई, जिसे देखने के बाद पीटर सन्न रह गया। अब अगले दिन पीटर पूरे पार्क में उस लड़की को ढूंढ रहा था, तभी उसे वो लड़की एक कॉटेज के आगे सावर लेते हुए दिखाई दी, तो पीटर ने तुरंत अपना कैमरा निकालकर उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। लेकिन उस लड़की को पीटर के होने का एहसास हो गया था, पर घबराने की जगह उसने पीटर से टॉवल मांगकर उसे अपना नाम माया बताया। दोनों के बीच इंट्रोडक्शन चल ही रहा होता है कि तभी उसी दौरान माया पीटर से अपने ब्रा की लीज बनवाती है। हम इजिली समझ पा रहे थे कि माया पीटर में इंटरेस्टेड थी और पीटर तो पहले ही माया के माया में फंस चुका था। अब दोनों साथ में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में माया का बॉयफ्रेंड आरजे मिल गया, जो काफी ज्यादा अकड़ू और डोमिनेटिंग था, क्योंकि माया को पीटर के साथ देखकर वो उस पे भड़क गया कि उसे किसी और लड़के से बात नहीं करनी है। इसके बाद पीटर वहां से निकल जॉन और रेचल की वीडियो बनाई और रात में जब वो वीडियो देख रहा होता है तो उसे कुछ आवाज आती है, तो पीटर आगे बढ़ा तो उसे दिखाई दिया कि माया आरजे के घोड़े पर बैठकर फुल स्पीड में राइड कर रही है। पीटर ने उन दोनों के वीडियोस को भी अपलोड की और कुछ दिनों तक पीटर माया को दूर से देखते रहा और इस दौरान आरजे ने भी उसे नोटिस कर लिया था। आगे हमने देखा कि जितने भी टूरिस्ट आए थे जिनकी वीडियो पीटर ने बना रखी है, वो सारे लोग एक ही साथ कैंपेन कर रहे थे। वही दूसरी ओर पीटर रूबी को बता रहा था कि उसे लोगों को देखना इसलिए पसंद है क्योंकि बचपन में उसने अपने पड़ोसियों को इंटीमेट होते हुए देख लिया था।
तब उस टाइम उसे खुदाई के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका चिराग हरकत में आ चुका था। उसी टाइम से उसे लोगों को देखना पसंद है, इसलिए वो वेडिंग जैसे फंक्शन में वीडियोग्राफी करता है। खैर, इतनी बकैती करने के बाद पीटर माया के पास आया, जो लेक के पास अकेली बैठी थी। वहाँ उसने माया से पूछा कि आरजे उसके साथ ऐसे बिहेव करता है तो वो उसके साथ क्यों रहती है, वो तो उससे अच्छा लड़का डिजर्व करती है। माया भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी कि दूसरी तरफ आरजे ने रूबी से बात कर पीटर को माया से दूर रहने को बोला। और जब माया पीटर बात कर रहे थे तो वहाँ आरजे भी आ गया। अब आरजे को देखते ही पीटर वहाँ से निकल लिया था, जिसके बाद आरजे ने माया को एब्यूज करना शुरू किया, लेकिन माया ने उल्टा उसे ही सीड्यूस किया और उसके घोड़े पर बैठकर सवारी करने लगी। ये सब पीटर भी वहीं से देख रहा था, तो उसने उनकी ये खुदाई रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, जिसमें हमने देखा कि माया एक नाइफ को आरजे के गर्दन के ऊपर घुमा रही है, और देखते ही देखते उसने वो नाइफ आरजे के गर्दन में घुसा ही दी और उसका मर्डर कर दिया। अब यहाँ वो दोनों ओपन थे, इसलिए मैं आपको वो इमेजेस नहीं दिखा सकता। अब ये देखने के बाद तो पीटर की फट गई थी, क्योंकि उसने ये इंसिडेंट रिकॉर्ड भी कर लिया था, और जब वो वहाँ से भाग रहा था तो माया ने उसे देख भी लिया कि पीटर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ये सारा इंसिडेंट पीटर के माइंड में घूम रहा था, और उधर माया ने आरजे की बॉडी को लेक में डालकर उस शहर से निकल गई थी। तो अगले दिन जब पीटर रूबी से मिला तो रूबी ने उसे बताया कि आरजे ने उसे वार्न किया है कि वो माया के करीब ना जाए। वहीं रूबी ने पीटर को यह सलाह दी कि उसे ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो सिंगल हो, ना कि किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में। कुछ दिनों तक पीटर अपना काम नहीं करता और रिलैक्स कर रहा होता है। तभी एक दिन उससे मिलने माया आई, क्योंकि वो भी उसके लिए फील करती थी। फिर क्या था, दोनों खोपचे में आए और पीटर ने अपने घोड़े से माया की गुफा में खुदाई का काम जोर शोर से शुरू कर दिया। इस दौरान उसने माया के साथ खुदाई करते हुए अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड की, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद माया ने उसे मर्डर वाले वीडियो डिलीट करने को बोला। उस वीडियो की एक ही कॉपी पीटर के पास थी, और उसने उसे डिलीट करते हुए माया से पूछा कि क्या वो इस वीडियो की वजह से उसे मिली। तो माया ने उसे बताया कि नहीं, वो उसे पसंद करती है, साथ ही में इस वीडियो का डिलीट होना भी जरूरी था उन दोनों के लिए ही। अब अगले दिन अपने दोस्तों से मिलने के बाद पीटर माया से मिला, तो माया ने उसे बताया कि उसे किसी के साथ कनेक्शन फील नहीं हुआ, वो खुद एक मोमबत्ती की तरह है जो दूसरों को रोशनी देकर खुद खत्म हो जाती है। ये सुनकर पीटर उसे कंसोल कर ही रहा था कि तभी वो देखता है कि पुलिस वालों को आरजे की बॉडी लेक में से मिल गई है। इसलिए पुलिस वाले माया से बात करते हैं कि वो आरजे की गर्लफ्रेंड थी तो कहीं उसका हाथ तो नहीं मर्डर करने में। लेकिन माया ने अपनी एक फ्रेंड को कॉल लगाया और पुलिस वालों को यकीन दिलाया कि वो पिछले कुछ दिनों से अपनी फ्रेंड के साथ ही थी, क्योंकि आरजे और उसका ब्रेकअप हो चुका था। माया के फ्रेंड की गवाही सुनकर माया सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर आ गई, क्योंकि पुलिस के पास मर्डर वेपन नहीं था। वही पीटर के सभी फ्रेंड्स को तो पूरा यकीन था कि माया ने ही आरजे को मारा है। अब डिटेक्टिव का शक पीटर पे आ गया कि उसने माया को पाने के लिए आरजे को मार दिया होगा। इसलिए अगले दिन जब पीटर नीको और रूबी से बातें कर रहा था तो डिटेक्टिव वहां आए और उन्होंने पीटर की वो वेबसाइट ढूंढ निकाली जहां वो लोगों की प्राइवेट वीडियो डालता है। इसी दौरान माया ने नीको और रूबी को भी एक वीडियो दिखाई जिसमें वो इंटीमेट हो रहे थे। उसने उन्हें बता भी दिया कि ये पीटर ने ही रिकॉर्ड किया था। वही डिटेक्टिव के पास सबूत नहीं था कि पीटर ने आरजे का मर्डर किया है, लेकिन जैसे ही उन्हें सबूत मिल गए वो उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाएंगे। डिटेक्टिव के जाने के बाद नीको और रूबी ने पीटर को बहुत डांटा। यही माया के एक्सप्रेशन को देखकर हम इजीली समझ पाते हैं कि डिटेक्टिव को भी उसी ने पीटर के बारे में टिप्स दी है। अब पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, इसलिए माया उसे वेबसाइट डिलीट करके सारा सामान पैक करने के बाद उसके साथ भागने की सलाह देती है। तो पीटर मान गया, क्योंकि उसके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो पीटर ने जल्दी जल्दी साइट डिलीट की और अपना सारा सामान रखा और माया की कार में आ गया। लेकिन तभी मौके पे डिटेक्टिव भी पहुंच गया, जिसे देखकर पीटर वहां से भागा और पीटर के सामने ही माया ने डिटेक्टिव को भी चाकू मारकर उसका मर्डर कर दिया। अब थोड़ी देर बाद पीटर वापस से मर्डर स्पॉट पे आया ताकि वो मर्डर वेपन पुलिस को देकर माया को फंसा सके। लेकिन तभी माया ने उसे कॉल करके ये बताया कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया, बल्कि आरजे और वो डिटेक्टिव उसके दोस्त है जिनके साथ मिलकर उसने उसे फंसाया है। क्योंकि कुछ सालों पहले जब वो यहाँ आई थी तब पीटर ने उसकी भी वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल दी थी, जिसे उसके फैमिली वालों ने भी देखा और इंटरनेट से हटा दिया। लेकिन तब तक माया की वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी, जिस वजह से माया की बहुत ही बदनामी हुई और उसकी रेस्पेक्ट भी खत्म हो गई थी। इसलिए माया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीटर को फंसाने के लिए यह प्लान बनाया। वही उसने बताया कि जो भी पीटर के पास रिकॉर्डिंग्स थी उन्होंने असली पुलिस वालों के पास सबमिट कर दी है, यानी जिसको हम इतनी देर से डिटेक्टिव समझ रहे थे वो असल में डिटेक्टिव है भी नहीं। इतना सब सुनने के बाद तो पीटर समझ गया था कि उसके लग चुके हैं और पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो गई। पता है आपको बहुत सारे सीन देखने को नहीं मिले, इसीलिए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको मूवी मिल जाएगी, तब सब कुछ वहाँ पर आप देख लेना। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी और आप सबने सीखा होगा कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मूवी की कहानी। हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।